शिव अर्थात शिवलिंग की पूजा करने के लिए प्रणव अक्षर ओम की जरूरत पड़ती है। मतलब शिवलिंग के पूजन में ओम चाहिए, ओम से पूजा होती है और मूर्ति का पूजन ओम नमः शिवाय से होता है। वहां पंचाक्षर मंत्र की आवश्यकता होती है, यहां सिर्फ प्रणव अक्षर ओम की जरूरत होती है। ये जो ओम है ये बड़ा सिद्ध है, यही सृष्टि का जनक है। अ उ म इसमें मकार है, इसका बड़ा दर्शन है। अगर इसको हमने जान लिया तो सब जान लिया, इतना बड़ा दर्शन इसका बताया गया है। तो अपने आप को हम कैसे समझें, कैसे जाने? तो भगवान शिव ने कहा, अब भगवान शिव की चर्चा कर रहे हैं कि शिव ने ही बताया है कि लिंगम को मोकार मंत्रेण वैरम पंचाचरेण तू स्वमेव हि सत्वत्वे प्रतिवाप्यम परेरपि। लिंग मोकार मंत्रेण, लिंग की पूजा सिर्फ ओमकार से और किसी से नहीं। मतलब जब हम भगवान के पास शिवलिंग के पास बैठे हैं तो हमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। उनको उनके लिए आप अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता तो आप सिर्फ ओम के साथ ही पूजन करेंगे, सिर्फ ओम के साथ। आपको ओम नमः शिवाय बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें भी कई सारे भेद हैं कि ओम कौन बोलेगा, नमः शिवाय कौन बोलेगा, ओम नमः शिवाय कौन बोलेगा, इसका भी दर्शन है। ब्राह्मणों के लिए, द्विजों के लिए बताया गया कि ओम नमः शिवाय से भी पूजा कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए बताया गया, ब्राह्मणियों के लिए बताया गया कि वे ओम नमः शिवाय से भी और नमः शिवाय से भी पूजा कर सकती हैं, वे नमः शिवाय से भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय भी कह रहे हैं तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं बताया गया। ये भगवान शिव ने स्वयं कहा है, ये भगवान शिव ने स्वयं कहा है। अब आप विचार कीजिए, तो ये जो निराकार है जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, इसका दर्शन क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग। वहां भगवान की मूर्ति है क्या? नहीं है। वो किस रूप में है? लिंग रूप में है, मतलब निराकार रूप में, कोई आकार नहीं है। तो फिर जो हमें आकार दिखता है वो भी तो एक आकार है, वो हमारे लिए है। क्यों है? क्योंकि वो तो अनंत था। तो भगवान ने कहा जब कलयुग में आदि आदि युगों में लोग मुझे जानने बैठेंगे तो मैं उन्हें समझ नहीं आऊंगा, तो उन्होंने अपने आकार को छोटा कर दिया, उन्होंने अपने आप को लघु कर लिया जिससे हम और आप जान पाए, समझ पाए। तो हम फिर लिंग पूजा अर्थात नकार की पूजा पूरी दुनिया में होती है, अलग अलग देशों के अंदर भी जिनकी भाषाएं, जिनकी रीतियां, जिनका अधर्म अलग है, वहां भी किसी ना किसी रूप में लिंग पूजा होती है साथ, पूरे विश्व में। मतलब निराकार की पूजा, वो जो आकार लेकर भी आ जाता है हम पर कृपा करने के लिए, उसकी पूजा की बात हो रही है।